नगर निगम सदन की बैठक में काफी हंगामा हुआ। पक्ष और विपक्ष की तीखी नोकझोंक के बीच बैठक संपन्न हुई। जौनपुर महापौर जहां तेजी से शहर विकास की बात करते नजर आए, वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने जौनपुर महापौर पर आरोप लगाए कि वे जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने जो बजट पेश किया है उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, समझ नहीं आ रहा है, जनता से छलावा है। वहीं नगर निगम महापौर ने कहा कि वो शहर विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और वहीं उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक विनय सक्सेना ने भी मध्य प्रदेश शासन की नीति पर निशाना साधा। ये तो इनके कहने की बात है। हमारा एक एक पार्षद, एक एक जनप्रतिनिधि, एक एक मंडल अध्यक्ष और हमारे जबलपुर जिले के महानगर के अध्यक्ष माननीय प्रभात साहू जी के नेतृत्व में पूरी टीम तैयार हुई है। सभी लोग अपनी अपनी टीम तैयार कर रहे हैं कि किसको किसके वार्ड से कितने लोगों को लाना है। ये कांग्रेस में ये प्रथा थी, मगर भारतीय जनता पार्टी में ये प्रथा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ है। और आज आप देखो कि जहाँ भी इनके शिविर लगे हुए हैं, आप बता दो कहीं भी एक भी कांग्रेस का पार्षद दिख रहा हो या कांग्रेस का पदाधिकारी दिख रहा हो, हर जगह आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही लाडली बहना योजना में उनके फॉर्म भरवा रहे हैं और उनको लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी एक भी बहन ना छूटे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम होगा मुख्यमंत्री जी का, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम जबलपुर में होगा और इससे कांग्रेस की नींद और ख़राब होगी। यहाँ जो बजट की बैठक चल रही, बातें रखी हैं, अभी हमारा मौका आया नहीं है। अभी हमारा भाषण या आज भी हो सकता है या कल सुबह भी हो सकता है। तो इनकी पूरी जो इन्होंने झूठ का पुलिंदा यहाँ पर रखा है, 1400 करोड़ रुपये मायने रखता है। आपकी आमदनी कितनी है पहले ये बताइए, और खर्चा कितना बता रहे हैं आप? आप ये बताइए कि केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना से कितना पैसा आता है, और आपको सिर्फ यहाँ पे अगर किसी चीज़ से पैसा मिलता है तो सिर्फ टैक्स से पैसा मिलता है। क्या टैक्स के पैसे से आप पूरे शहर का विकास कर लेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है टैक्स के विकास से आप सिर्फ नगर निगम को जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी पेंशन तनख्वाह वगैरह दे सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं जाके इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। और मैं आने वाले समय में बताता हूँ, जब ये बजट की बैठक ख़त्म हो जाएगी और जनता को जब ये समझ में आएगा कि बजट तो इतना बड़ा था और पूरे शहर में कोई काम नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं जाके महापौर जी को सर झुकाना पड़ेगा। क्योंकि महापौर जी ने चुनाव के समय लोगों को बहुत झूठे आश्वासन दिए थे और वो किसी भी आश्वासन पर खड़े नहीं उतर रहे हैं और जनता के साथ धोखा हो रहा है। और कोई भी पार्षद इनके काम से सुखी नहीं है। शहर में गंदगी का आलम है, पानी की त्राही त्राही मच रही है, रोडें बन नहीं पा रही हैं, ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो पा रही है। लगातार इस बात को देखा जा रहा है कि कम से कम शहर विकास में किस प्रकार की योजना तैयार करना। आज तक आपने किसी भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल को बुला के बैठक बात नहीं की। जल प्लावन की स्थिति 2 महीने बाद बनने वाली है, लेकिन उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। शहर में लाइटें बंद है, बस ये अपना उद्घाटन करना है, इनको रोडों का उद्घाटन करना है, भूमि पूजन करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। आने वाला समय बताएगा जनता इनको कैसा जवाब देगी। और कर्नाटक के चुनावों के बाद वचन पत्र घोषित भी करेगी कांग्रेस पार्टी, लेकिन इधर बीजेपी के तमाम नेता जो है वो तंग कस रहे हैं। सुमित्रा वाल्मीकि ने आज कहा कि ये ठगी पत्र है। राकेश सिंह ऐसा कह रहे हैं कि ये जनता को भ्रम में डालने वाला पत्र साबित होगा। क्या कहेंगे? 18 साल से माननीय मुख्यमंत्री ये तय नहीं कर पाए कि हमको जनता को राहत कैसे देनी। रोजगार 1 लाख उनको याद है 19 साल बाद, लाड़ली बहनों के 1000 उनको याद आई 19 साल बाद। तो ठगी कौन कर रहा है और भ्रम कौन कर रहा है ये जनता देख रही है। माननीय कमलनाथ जी ने तो जैसे किसान कर्ज माफ़ी कही थी, 27 लाख करोड़ से ज़्यादा का किसान माफ़ हुआ कर्ज, और ये विधानसभा के ऑन द रिकॉर्ड है, झूठ कोई कितना ही बोल ले। उसी तरह से माननीय कमलनाथ जी ने कह दिया। अभी तो वचन पत्र हमारे आया नहीं, लेकिन दो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं कि लाडली बहनों के रूप में हमारी बहनें जो हैं उनको हम सक्षम बनाएंगे, नौकरियां देंगे, और साथ साथ उनको जब तक नौकरी नहीं मिलेगी 1500 रुपये अलग से देंगे और कोई बंधन नहीं होगा। ऐसे उन्होंने कहा हम लाइन लगा के लाडली बहनें पैसे बांटें, इससे अच्छा ये कि हम सिलेंडर में सीधे कम कर दें और 500 रुपये का गैस सिलेंडर दें, इससे आसान कोई रास्ता है? बहनें लाइनों में लगी है, गर्मी में फॉर्म भर रही हैं, KYC बन रही है, फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, बहनें चक्कर काट रही कहाँ फॉर्म भरे जाएंगे, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। सीधे गैस कनेक्शन तो हर घर में उज्ज्वला का मिला, कनेक्शन तो दे दिया सरकार ने, मोदी जी ने, गैस के सिलेंडर खरीद नहीं पा रहे, तो अच्छा है कि 500 का सिलेंडर दे दो, 1000 रुपये हर महीने कम हो जाएंगे उनके। ये सब बातें कमलनाथ जी बड़े धरातल में ज़मीनी बातें करते हैं, और माननीय शिवराज सिंह जी हवा के आसमान के ऊपर, हवा में भी नहीं तो आसमान के ऊपर भी अगर कोई कहना चाहिए कोई मंडल है, कोई अंतरिक्ष जैसी चीज़ है, वो उसकी बात करते हैं। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।